तो सांग माने आज आम कथा एपरी एक फेस पैक विषय में जहाँ जदि आप लगे तो आपण मुहरे जिते कला दाग था झाइया था पिगमेंटेसन था डास्पर्स था सब पूरा दूर हो यही फेस पैक को बनवाई जो जिनस आम यूज करवा प्रुवे न टेक दाग दबा को दूर करने बहुत ही भल अटे। तो यही फेस पैक को बनवाप सब प्रथम आमको दरकार पड़ो टमाटो पेस्ट। तो गोटे चामच टमाटो पेस्ट आमको दरकार। तो यहीपर ग्रेट करके बाहर करें आप ग्राइंडिंग करके भी बाहर करें सांग माने। तो सांग माने टमाटो रही था लाइकोपिन तेणु यह बहुत साहय करता है आपण स्किन को रिजुनेट करने आपण स्किन को रिभाइटालाइज करने। तो ये मुझे नहीं नहीं गोटे चामच टमाटो पेस्ट देखो ये टमाटो पेस्ट आम बाहानी रेडी है। तो सेकेंड जिनस आमको दरकार पड़ो एलोवेरा जेल। तो आप प्लांट एलोवेरा जेल नहीं पारे मार्केट एलोवेरा जेल भी नहीं पारे कि सब आज चेस्टा करूँ प्लांट एलोवेरा जेल नापी जहाँकि बहुत भल कम करें। एलोवेरा जेल तो सांग माने यार गुण आपन जिते कहे से सर कारण यार बहुत गुणकारी अटे आपण स्किन आपण स्किन दाग दबा को दूर करने आपण स्किन ने किसी भी जदि रैसेस अच्छी किसी भी प्रकार इनफेक्शन अच्छी ताकू दूर करने आपण स्किन को गोरा करने बहुत ही भल कम करता है स्किन को स्मूथिंग एंड हिलिंग प्रॉपर्टीज दे था। तो देखो ये मुझे नहीं दुई चामच पाखापाखी एलोवेरा जेल। तो तृतीय जिनस आम एड करवा चाउल गुंड जहाँ आम चूना कही था अरुआ चाउल गुंड। तो गोटे चामच आम नवा चाउल गुंड। तो चाउल गुंड सांग माने पॉलिशिंग इफेक्ट रही है जहाँ स्किन उपर एक पॉलिशिंग लेयर क्रिएट करें जहाँपाय पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट ब्लेमिश सब बहुत लाइटन होता है आम स्किन भितर बहुत नुआ सेल बाहर करम स्किन रिजुनेटेड फिल करें। तो ये गोटे चामच चाउल गुंड नहीं जाए आम नवा दुई चामच रोज व्टर गोलाप जल। तो रोज वाटर आम स्किन को पीएच को मेंटेन रखी था जितेबाला आम स्किन को पीएच को मेंटेन रखे तो आमको बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है। तो दुई चामच आम ये नहीं ना रोज वाटर एवं तापर सांग माने आमको दरकार पड़े दही। तो गोटे चामच बा दुई चामच आपन नहीं नियंतु दही। तो दही में रही सांग माने लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड आम स्किन ने लाइटन ब्राइटन एंड टाइटन इफेक्ट आनी थाए आपण स्किन को गोरा भी करें आपण स्किन को दाग धबा को दूर करने बहुत ही जल्दी काम करें। तो यही जो सब जिन आम एड कले आम भलसे पूरा मिक्स कर नवा जपर्यंत देखिए यह गोटे फेस पैक टाइप बनी जाए तो से पर्यटन यह आम भलसे मिक्स करदे। तो सांग माने खाली जे आपन ऊपर लगेदे बोले आप स्किन ताबन आपर लगे सहित आप भितर भी आपण स्किन को हेल्दी रखा चेस्टा करूँ। तो ये ये फेस पैक रेडी है। तो यह नहीं आपण क्लीन फेस भलसे लगा। तो यह आपल लगे तो रात में शोबार घंटे बा देढ़ घंटा आगु आप फेस लगे और फेस लगे सारी आपन यू 15-20 मिनट फेस रखे और फेस को धोई ने धोला देखिए सांग माने आपण स्किन लाइट एंड ब्राइट एंड इफेक्ट केते आसीबे सांग माने। यहाँ आपन को लगातार कंटिन्यू सांग माने 3 मास पर्यंत यूज करने पड़े। तो सबुदिन आप यूज करूँ फेस लगातु 15-20 मिनट रखुद धीरे धीरे मसाज कर धोई नि जोर जोर मसाज करेंगे धीरे धीरे हाल्का हाल्का मसाज कर धोबे आ 3 मास कंटिन्यू लगातार करेंगे। तो किसी दिन लगातार करूँ देखिए धीरे धीरे आप स्किन दाग धोबा पिगमेंटेसन डार्क स्पॉट सब दूर हो स्किन पूरा काच पूरी चमकवाक आरंभ हो और आपण उपर आपण फेस लगे सहित आप सब चेष्टा करूँ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँ भल डाइट नियंतु जो थे विटामिन्स मिनरल्स थी ताकि आपण शरीर भितर निजक हिल कर एक्सरसाइज करूँ मेडिटेशन करूँ योग करूँ निजक स्ट्रेस दूरे रखुद सबु बड़ कथा सांग आपण जिते स्ट्रेस दूरे रही है आपण स्किन सब सब प्रोब्लेम्स दूर हो सुंदरता भितर आपण बाहर को आसता है सांग माने बाहर तो आप जहाँ भी हेल्ले आपण फेस लगाऊँ भितर भी आप शरीर को भल रखु देखिए आपण स्किन सब प्रॉब्लम्स पूरा पूरी दूर हुई आपण फेस के सुंदर रहा सांग माने।